देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 7 अपना है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो इसका अपना टॉपिक है इसके अंदर एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड एंडेमिक और एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो एंडेमिक स्पीशीज अपन किसको बोलेंगे इसके अंदर? एंडेमिक और एंडेंजर्ड स्पीशीज को बोलेंगे। तो पहला है एंडेमिक स्पीशीज। द स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल व्हिच आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड द एंडेमिक स्पीशीज। देखिए सुनिए, एंडेमिक स्पीशीज का मीनिंग क्या होता है? ऐसी स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही रेस्ट्रिक्टेड होती है। रेस्ट्रिक्टेड होते मतलब ये इसका मीनिंग ये होता है कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, कंगारू ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही मिलेगा। तो एक वो एक एंडेमिक स्पीशीज है, उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही आपको मिलती है, ठीक है ना? वो और कहीं दूसरी जगह पर नहीं मिलती है ये चीज। ऐसे और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसके अंदर जो आपको पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर देखने को मिलते हैं, दूसरी जगह पर वो आपको नहीं मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है ना? तो ये एंडेमिक स्पीसीज हो जाते हैं। दीज स्पीसीज आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। एग्जांपल इसमें पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बात करें तो एग्जांपल ऑफ प्लांट के अंदर वहाँ पे साल और वाइल्ड मैंगो। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश के अंदर। तो वहाँ पे देखिए इसके अंदर कि साल और मैंगो ट्री, वाइल्ड मैंगो, मैंगो के अंदर भी वाइल्ड मैंगो वहाँ का एक एंडेमिक स्पीसीज है, वो और कहीं भी नहीं मिलती आपको, ठीक है? तो ये एंडेमिक स्पीसीज हो गई इसका। नेक्स्ट देखो इसके अंदर सिमिलरली एंडेमिक स्पीसीज ऑफ फौना यानी एनिमल की बात करें तो जैसे बीसन, इंडियन जायंट स्क्विड एंड फ्लाई स्क्विड, ये जो है ये भी एंडेमिक स्पीसीज है आपको। तो ये आपको जो है हिल्स वाले एरिया के अंदर आपको मिलेगी, हिमालय रीजन के अंदर आपको मिल जाएगी इसमें, ठीक है? तो ये एंडेमिक स्पीसीज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज का मीनिंग क्या होता है? जो खतरे में है जिनका नंबर बहुत तेजी से कम हो रहा है, वो द स्पीसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द फीवर इंडिजुअल बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल फैक्टर। यानी ऐसी स्पीसीज जिनके नंबर ऑफ इंडिजुअल जो है वो बहुत कम है। क्यों कम है? उसका रीजन अनफेवरेबल कंडीशन हो सकता है, उसकी वजह से उनके नंबर कम हो गए। इफ द सेम फैक्टर कंटिन्यू दिस स्पीसीज वुड बिकम द एक्सटिंक्ट। लेकिन इनके नंबर इतने तेजी से कम हो रहे हैं, अगर ये कंडीशन रहा तो कुछ ही टाइम के अंदर ये स्पीसीज खत्म हो जाएंगे। इसके तो एंडेंजर खतरे में बोलते हैं, ठीक है ना? जैसे एग्जांपल ये इंडियन डायनासोर्स है, एक सिंह वाला गैंडा, एशियाटिक लाइन, एशियाटिक वाइल्ड एस, क्रोकोडाइल, ब्लू व्हेल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, घोड़ा, ये नंबर्स इनके बहुत कम बचे हैं। अगर इनका नंबर्स और तेजी से कम होता गया तो ये खत्म हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, तो ये खतरे में है, ठीक है? तो दो चीजें हैं, एंडेमिक के लिए पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही मिलते हैं और एंडेंजर्ड एरिया जिनका नंबर बहुत तेजी से कम हो रहा है। ये अगला है टॉपिक इस अंदर है स्टूडेंट प्रोजेक्ट टाइगर। ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या है अंदर देखिएगा स्टूडेंट, प्रोजेक्ट जो है टाइगर के अंदर आपका जो टाइगर है इंडियन टाइगर या इसको बंगाल टाइगर, इनके नंबर्स तेजी से कम हो रहे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इनको जो है कंजर्व करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाया गया है, इनको इनके नंबर्स को बढ़ाने के लिए, इनको प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है ना? प्रोजेक्ट टाइगर इसको लॉन्च किया गया 1973-74 के अंदर। तो ये एक बहुत सक्सेसफुल कंजर्वेशन प्रोग्राम था इसके अंदर। अगर अपन बात करें इसके अंदर इंडिया के अंदर एन एस्टिमेट ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी प्लीज। तो अगर अपन बात करें सेंचुरी की शुरुआत के अंदर 1900 के अंदर 20, तो उस टाइम जो है शुरुआत के अंदर यहाँ पे जो है टाइगर्स का नंबर बहुत ज्यादा था, 40,000 के अप्रोक्स था। लेकिन सब्सिक्वेंट द फर्स्ट ईयर एवर द ऑल इंडियन टाइगर्स सेंसस was conducted in the 1972, you know? जब जनगणना हुई 1972 के अंदर टाइगर्स की, which revealed the existence of only all 1827 टाइगर्स। 1972 के जनगणना में शुरुआत के अंदर 40,000 टाइगर, ठीक है ना? और 1972 तक आता था क्या हुआ? 1827 टाइगर थे। Initially 9 टाइगर्स रिजर्व था, तो इतने तेजी से टाइगर्स कम हो गए। इसके बहुत सारे रीजन है, हंटिंग है या फिर कंडीशन हो सकती है। तो इसको बचाने के लिए 9 टाइगर रिजर्व वर्ड इन द डिफरेंट स्टेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ
73 74 के अंदर जब ये पता चला कि टाइगर इतने ही बचे हैं तो इनको बचाने के प्रोग्राम चलाया गया बाय पूलिंग द रिसोर्स अलोंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। उसमें सभी का रिसोर्स यूज करा, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रिसोर्सेज, स्टेट गवर्नमेंट ने अपना एफर्ट किया, और इसके अलावा जो WWF जो है इसके अंदर वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, ये इंटरनेशनल लेवल का हैज द गिवन एन असिस्टेंस ऑफ द $1 million, इन्होंने भी अपना फंड दिया इसमें टाइगर्स को बचाने के लिए, और कुछ इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करवाए, और एक्सपर्टाइज और लिटरेचर इन्होंने प्रोवाइड करवाया। ठीक है, द वेरियस स्टेट आर आल्सो बियरिंग द लॉस ऑन द अकाउंट्स ऑफ द गिविंग अप द फॉरेस्ट्री ऑपरेशन इन द रिजर्व। द मेन अचीवमेंट देखिएगा इसका क्या है प्रोजेक्ट टाइगर का, आर द एक्सीलेंट रिकवरी ऑफ द हैबिटेट एंड कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन द टाइगर पॉपुलेशन इन द रिजर्व एरिया। यानी इसका रिजल्ट ये हुआ कि कुछ टाइम के अंदर इसके टाइगर्स का नंबर बहुत तेजी से बढ़ा इसके अंदर, फ्रॉम ईयर्स ऑफ द 268 इन द 9 रिजर्व इन द 1972 टू जो है 2967। तो अब देखिएगा इसके अंदर जो नंबर्स है इसके अंदर वापस कितना हो गया, 2018 के अंदर इसका नंबर्स नंबर्स ऑफ टाइगर जो है वो है 2967 टाइगर्स हो गया। ठीक है, तो ये नंबर्स जो है काफी तेजी से बढ़ गया है इसके अंदर। तो इसके अंदर वाइल्डलाइफ कम्युनिकेशन आउट स्टेशन पेट्रोलिंग कैंप ये भी डेवलप किए गए इसके अंदर, जिससे जो है पोचिंग हंटिंग जो है उसके अंदर काफी कमी आई इसके अंदर, है ना। फर्स्ट फायर प्रोटेक्शन ये भी इफेक्टिवली किया गया इसके अंदर, और इसके अलावा जो है लोकल जो वॉलंटियर के रूप में जो विलेज थे उनको भी जो रिलोकेट किया गया, उन्हीं लोगों का भी हेल्प लिया गया इसके अंदर, हैज बीन द मेनी रीजन। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर एक वर्ड आता है रेड डाटा बुक। इसमें रेड डाटा बुक क्या है देखिए, इसमें देखिए ऐसी स्पीसीज जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, एंडेमिक स्पीसीज है, उनके रिकॉर्ड्स को जो है ये मेंटेन करके रखता है IUCN, तो इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है, या फिर जिसको अपन WCU भी बोलते हैं, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, स्विट्जरलैंड के अंदर है इसका ऑफमैन। तो ये क्या करती है, मेंटेन रेड डाटा बुक विच कंटेन रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द थ्रेटन्ड स्पीसीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। थ्रेटन्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज जो खतरे में स्पीसीज इनका नंबर बहुत कम हो रहा है प्लांट और एनिमल, उनका रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें इस बुक के अंदर रिकॉर्ड जो है एनिमल का जो थ्रेटन्ड स्पीसीज है एंडेंजर्ड स्पीसीज है वो है 300 3000, नंबर ऑफ प्लांट्स की अगर बात करें इसके अंदर 20,000 है इसके अंदर, तो इसमें भी एनिमल्स के अंदर भी बर्ड स्पीसीज और एम्फीबियंस देर का इसके अंदर आपका लेवल। द नंबर ऑफ थ्रेटन्ड प्लांट्स अगर बात करें 474 वाइल दैट द एनिमल्स आर 100। ठीक है, अलग अलग नंबर्स ऑफ प्लांट एनिमल्स इसमें फिगर्स देर का इसके अंदर। एक और है इसके अंदर ग्रीन बुक हैज ऑल्सो बीन पब्लिश विच गिव्स अ लिस्ट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग इन द प्रोटेक्टेड एरिया। एक ग्रीन बुक जो है इसके अंदर आपको किसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा, विच गिव द लिस्ट ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन द प्रोटेक्टेड एरिया में कौन कौन से प्लांट्स हैं, उनका इन्फॉर्मेशन के लिए ग्रीन बुक भी है। नेक्स्ट वर्ड है इसके अंदर एक माइग्रेशन, तो ये माइग्रेशन क्या है देखिएगा, एनिमल्स के केस के अंदर ये माइग्रेशन वर्ड अपन यूज करते हैं इसके अंदर। तो एनिमल्स जो होते हैं वो अपने जो ओरिजिनल प्लेस होता है बर्थ, वहां से जो ये जब उनके वहां पे कंडीशन जो है फेवरेबल नहीं होती है, तो वो अपने जो प्लेस होता है उस ओरिजिनल प्लेस से वो कहीं दूसरे प्लेस पे जो है वो मूव कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। तो इसको बोलते हैं माइग्रेशन। जैसे आपने साइबेरियन क्रैंस के बारे में सुना होगा, साइबेरिया से जो है वो अपने यहाँ पे विंटर के अंदर आते हैं इसके अंदर, सितंबर अक्टूबर नवंबर के अंदर आते हैं इसके अंदर। तो उस टाइम साइबेरिया के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है, वहाँ पे जो पूरा लैंड जो आइस से कवर हो जाता है, तो वहाँ पे उनको फूड और रिप्रोडक्शन के लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं होती। तो उस केस में वो क्या करते हैं, इंडिया पे उनके लिए सूटेबल टेम्परेचर होता है, या फिर इंडिया के आसपास के जो कंट्रीज हैं वहाँ पे टेम्परेचर उनके लिए सूटेबल होता है ब्रीडिंग के लिए भी, और फूड अवेलेबल इजीली हो जाता है। तो वो विंटर सीजन से पहले यहाँ पे जो है इंडिया के अंदर आके माइग्रेट कर जाता है। तो ये साइबेरियन क्रैंस एक माइग्रेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसे कुछ फीसेस के अंदर भी देखने को मिलता है आपको, बहुत सारे बर्ड्स के अंदर आपको माइग्रेशन का देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो इट इज द मूवमेंट विच मे बी आइदर सीजनल और द पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल। ये सीजनल भी हो सकता है या फिर उनके लाइफ का एक पार्ट होता है इसके अंदर। मैनी सीन इन द बर्ड एंड फीसेस ड्यू टू विच दे मूव्स
मूव्स टू द डिस्टेंट ब्रीडिंग और फीडिंग ग्राउंड, दूसरी जगह पे जाते हो अपने फीडिंग के लिए, यानी खाने के लिए या ब्रीडिंग के लिए। बर्ड्स माइग्रेट ड्यू टू द फॉलोइंग। अब बर्ड्स मैंने क्यों माइग्रेट करते हैं, एक तो है क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, दूसरा है फॉर लेइंग एग एट सेफ प्लेस, और फॉर फाइंड द एरियाज व्हिच कैन टेक केयर ऑफ देयर फीडिंग एंड ब्रीडिंग, जहां पे उनको खाना और ब्रीडिंग कर सके वो। ठीक है, एनिमल जो है माइग्रेट करते हैं टू एन एरिया इज द वार्म बिकॉज मोर फूड इज अवेलेबल इन दिस एरिया। तो मैंने जो ये वार्म एरिया के अंदर मूव करते हैं जहां पे फूड इजीली अवेलेबल होता है। ड्यू टू रीजन मैंने बताया इसके अंदर साइबेरियन पेयर्स माइग्रेट फ्रॉम द साइबेरिया कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ द मोर देन 70,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके ये इंडिया के अंदर आते हैं इसके अंदर इन एवरी ईयर एंड रीच भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान। सिमिलरली एशियाटिक आर्कटिक टर्न्स माइग्रेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, तो ये भी जो है इसके अंदर माइग्रेशन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये अपने आपको जो है अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल्स और बर्ड्स के अंदर माइग्रेशन देखने को मिलता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका जो है यहाँ पे फिनिश होता है स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो है चैप्टर के एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। थैंक यू।